Hello, I'm Romila. Welcome back to Word Bar Made Easy. In today's session, we'll learn how to talk about various speech habits. Baat karne ke tarike. Okay? Here's a preview. These are the 10 words that we'll be learning today. Now, you'll notice that we are leveling up. Ek level upar ja rahe. Now, in all the remaining sessions, you'll be learning some more challenging and difficult words. Okay? So, let's take a quick look at today's words. Taciturn, laconic, inarticulate, garrulous, banal, verbose, voluble, cogent, vociferous, and loquacious. Let's begin. So the first word is taciturn. Taciturn ka matlab hai saying little, thoda bolna, kam bolna. Habitually reserved and uncommunicative. Ye log bahut kam bolte hai. They don't participate in conversations. They are very reserved, they are shy. एंड इस वजह से दे मे सीम अनफ्रेंडली. सो अगर कोई कोई लड़का है जो ज़्यादा बात नहीं करता, ही इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्वर्सेशन, तो आपको लगेगा कि मे बी दिस पर्सन डजेंट लाइक मी, मे बी ही इज़ अनफ्रेंडली, इसलिए बात नहीं कर रहा है. सो सच पीपल मे सीम अनफ्रेंडली. ओके, टैसीटोन. नेक्स्ट इज लकॉनिक. लकॉनिक का मतलब है सेइंग लिटिल मीनिंग मच. कम बोलना लेकिन सही बोलना. ओके, वेरी ब्रीफ एंड कंसाइज. यू स्टिक टू द पॉइंट. आलतू फालतू की बातें नहीं करते. जो काम की बात है वही करते हो. एंड यू यूज़ वेरी फ्यू वर्ड्स. जिसे कहते हैं ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मतलब वो कम बोलता है लेकिन सही बोलता है. यू आर द मीम. सेंड्स 4-page टेक्स्ट मैसेज एंड गेट्स 1-word रिस्पॉन्स. सो कभी कभी आप किसी को बहुत लंबा मैसेज भेजते हैं या यू शेयर अ मैसेज जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स है एंड someone replies you in just 1-word ki okay, theek hai, okay fine. Okay, so that is an example of laconic. Okay, using very few words. Next hai inarticulate. Inarticulate ka matlab hai when the words don't come out. Ki maybe you are under pressure, aap confused ho, you are shocked, aap dare hue ho, aap gusse mein ho. Because of this you are unable to express yourself, you are unable to get the words out. ओके, मे बी आपका इंटरव्यू है एंड यू कैन फील द प्रेशर. आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो एंड आपको कोई डिफिकल्ट या ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया तो यू आर अनेबल टू गिव अ रिस्पॉन्स. सो यू डू यू नो, सो दैट इज कॉल्ड इनआर्टिकुलेट, नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली. ओके, गैरुलस. गैरुलस का मतलब है मच टॉक लिटिल सेंस, मतलब बहुत फालतू की बकबक करना, अनइम्पॉर्टेंट ट्रिवियल ऐसी बातें बोलना जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है. एक्सेसिव टॉकिंग, रैम्बलिंग. ओके, बकबक करना, जैसे ये भी बोल रहा है ब्ला ब्ला ब्ला, ये भी बोल रहा है ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, फालतू की बकबक करना, गैरुलस. नेक्स्ट इज बनाल. बनाल का मतलब है अनओरिजिनल, ट्राइट या हैकनीड. ट्राइट, हैकनीड, इन दोनों का मतलब भी वही है, अनओरिजिनल. योर टॉक लैक्स ओरिजिनैलिटी. आप अपने मन से कुछ ओरिजिनल नहीं बोलते हो, आप वही सेम अनइंटरेस्टिंग बोरिंग चीज़ें बोलते हो. ओवरयूज्ड फ्रेजेस, जो किसी और ने बोला हुआ है ऑलरेडी, वो सेम वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, सेम सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हो. योर फ्रेजिंग, रीफ्रेजिंग. ओके, बार बार वही सेम चीज़ बोलना. सो बेसिकली यू आर जस्ट टॉकिंग बोरिंग स्टफ. ओके, सो जैसे हर बनाल टॉक इज पुटिंग मी टू स्लीप. इसको बेचारे को नींद आ रही है इसकी बड़बड़ सुनकर. ओके, बिकॉज हर टॉक इज बनाल, बहुत ही बोरिंग बातें कर रही है वो. ओके, नेक्स्ट इज वर्बोस. वर्बोस का मतलब है वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स यूज करना, बहुत टू रिपीट द वर्ड, सेम वर्ड्स यूज करना एंड बहुत ज़्यादा टू जैसे कोई सेंटेंस हो एंड इट इज़ वेरी वर्डी, मतलब बहुत सारे वर्ड्स उस सेंटेंस में यूज हुए हैं, विच इज़ नॉट नेसेसरी. वो 2-3 वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट इंस्टेड यू आर गोइंग टू यूज मोर वर्ड्स. ओके, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंस है, दिस मेल बॉक्स इज माइन, ये मेल बॉक्स मेरा है. ये सिंपल लैंग्वेज में उसने बोला है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बींग वर्बोस. आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट आई इंडीड ओन दिस ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू सेंड और रिसीव लेटर्स फ्रॉम अनदर पर्सन. सो यही चीज उसने घुमा फिरा के बोली है, यूजिंग टू मैनी वर्ड्स. ओके, द सिंपल सेंटेंस वॉज द मेल बॉक्स इज माइन, लेकिन ही इज सेइंग ऑल दीज वर्ड्स, ही इज यूजिंग ऑल दीज वर्ड्स. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बोसिटी, इज बींग वर्बोस.
ठीक है, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड. नेक्स्ट इज वोल्यूबल. वोल्यूबल का मतलब है वर्ड्स इन क्विक सक्सेशन. वर्ड्स आपके मुंह से एक के बाद एक वर्ड्स निकलते हैं. द वर्ड्स फ्लो फ्रॉम योर माउथ. ओके, रैपिड फ्लुएंट टॉकर, ईजी एंड एफर्टलेस. जैसे ग्लिब हमने लायर्स वाले सेशन में किया था, ग्लिब लायर मतलब जो बहुत ही स्मूदली एफर्टलेसली फ्लुएंटली झूठ बोलता है, वैसे ही जो वोल्यूबल है ही इज़ अ स्मूथ टॉकर. बहुत ही फ्लुएंटली ईजिली एफर्टलेसली किसी भी टॉपिक पे वो बात कर सकता है. ओके, द वर्ड्स फ्लो आउट ऑफ देयर माउथ. ओके, नेक्स्ट है कोजेंट. कोजेंट का मतलब है वर्ड्स दैट कन्विंस. सो व्हेन यू आर कोजेंट का मतलब है यू टॉक वेरी क्लियरली लॉजिकली, यू कैन ईजिली कन्विंस अदर्स, यू कैन बी परसुएसिव कन्विंसिंग. कि आप किसी को भी कोई भी बात आप यू कैन गेट देम टू अग्री बिकॉज यू विल से इट वेरी क्लियरली. बहुत ही लॉजिकली रैशनली आप उनसे बात करोगे. जैसे बोले कोजेंट आर्ग्यूमेंट. सो कोजेंट आर्ग्यूमेंट इज समथिंग दैट एवरी वन फाइंड्स अग्रीएबल कि हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपने सही बात बोली है. ओके, सो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि समवन विल डिसअग्री बिकॉज आप बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से बात कर रहे हो. ओके, दैट इज कोजेंट. वोसीफरस. वोसीफरस का मतलब है लाउड नॉइजी, चिल्लाना या बहुत ज़ोर से बात करना. वेहेमेंट. वेहेमेंट मतलब बहुत ही इंटेंसिटी, बहुत ही पैशन, बहुत ही एनर्जी के साथ बात करना. टॉकिंग लाउडली. ओके, बीइंग वेरी नॉइजी. ओके, लोक्वेशियस. लोक्वेशियस का मतलब है टॉकेटिव. अगेन बहुत ज़्यादा जो बात करते हैं उनको लोक्वेशियस बोलते हैं. नाउ ये लोग दे कुड बी गरुलस, दे कुड बी वर्बोस, वोल्यूबल और वोसीफरस. इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ये लोग. लोक्वेशियस बहुत बात करते हैं, टॉकेटिव. ओके, तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे लोक्वेशियस. नाउ जस्ट टू समराइज, वी हैव द एडजेक्टिव्स हियर. ओके, दीज आर द स्पीच हैबिट्स. ओके, एंड दीज आर योर क्वालिटीज की कौन सी क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है वो वर्ड. सो टैसिटर्न का मतलब है साइलेंस, अनरिस्पॉन्सिवनेस, चुप रहना. ओके, किसी ने कुछ पूछा तो भी यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, यू आर बीइंग क्वाइट. लकॉनिक. लकॉनिक का मतलब है ब्रेविटी या मीनिंगफुलनेस. ब्रेविटी मतलब कंसाइजनेस, बीइंग क्लियर एंड कंसाइज टू द पॉइंट. ओके, सिर्फ मतलब की बात करना. इनआर्टिकुलेट. इनआर्टिकुलेट मतलब ऑकवर्डनेस, बीइंग ऑकवर्ड, यू डोंट नो व्हाट टू से. इनकोहेरेंस, अगेन यू आर कंफ्यूज्ड, यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली. ओके, अनक्लियर. गरुलस मतलब रैम्बलिंग चैटर, बकबक करना. बनाल मतलब हैकनीड, अनओरिजिनल. ओके, यू लैक ओरिजिनैलिटी. वर्बोस का मतलब वर्डीनेस, रिपिटिशियसनेस, बहुत सारे वर्ड्स यूज करना, बार बार वही वर्ड्स यूज करना. वोल्यूबल मतलब फ्लुएंसी, रैपिडिटी, टॉकिंग फ्लुएंटली, टॉकिंग एफर्टलेसली. कोजेंट मतलब लॉजिक, क्लैरिटी, परसुएसिवनेस, यू कैन ईजिली कन्विंस पीपल. वसीफरस मतलब नॉइज, वेहेमेंस. ओके, जोर से बोलना, चिल्लाना. लोक्वेशियस मतलब टॉकेटिवनेस, बहुत ज़्यादा बात करना. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ वी हैव सम येस एंड नो क्वेश्चंस. रीड द क्वेश्चंस, पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू टैसिटर्न पीपल यूजुअली मेक अदर्स फील कंफर्टेबल एंड वेलकम. टैसिटर्न का मतलब आप बोलते ही नहीं, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्वर्सेशन. सो दूसरों को बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, उनको लगेगा कि ये अनफ्रेंडली है या इसको मैं पसंद नहीं हूँ. सो यू मेक अदर्स फील अनकंफर्टेबल. ओके, सो द आंसर इज नो. डज अ लकॉनिक स्पीकर यूज मोर वर्ड्स देन नेसेसरी? नो. लकॉनिक का मतलब है यूजिंग ओनली वेरी क्लियर कंसाइज. ओके, थोड़े से ही वर्ड्स यूज करना, स्टिकिंग टू द पॉइंट. डज रेज मेक सम पीपल इनआर्टिकुलेट? अगर आप गुस्से में हो, ओके, जो ऐसी फीलिंग्स होती है, गुस्सा, डर, यू आर कन्फ्यूज्ड, यू आर अंडर प्रेशर, तो इन सच सिचुएशंस यू आर अनेबल टू स्पीक क्लियरली, यू आर इनआर्टिकुलेट. सो द आंसर इज येस. इज इट इंटरेस्टिंग टू लिसन टू गरोलस ओल्ड मैन? सो बूढ़े लोग जो होते हैं वो कई बार उनका ध्यान नहीं होता, तो दे डोंट अंडरस्टैंड वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट. तो वो ऐसी बड़बड़ करते रहते हैं, यू नो, दे टॉक अबाउट रैंडम थिंग्स, एक टॉपिक से निकल के दूसरे टॉपिक पर पहुंच जाते हैं. तो इज इट इंटरेस्टिंग? नहीं, वो बोरिंग हो जाता है. ओके, सो नो.
तो बनाल स्पीकर्स शो अ ग्रेट डील ऑफ ओरिजिनैलिटी. बनाल मतलब अनओरिजिनल, यू लैक ओरिजिनैलिटी, सो नो. इज वर्बोस अ कॉम्प्लीमेंट्री टर्म? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट किसी को बोलना? यू आर वेरी वर्बोस. वर्बोस मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज करता है, बहुत बड़बड़ करता है. यू आर यूजिंग टू मेनी वर्ड्स, तो इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट. ओके, इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री टर्म, नो. इज इट ईजी टू बी वॉल्यूबल वेन यू डोंट नो द सब्जेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट? नो. वॉल्यूबल मतलब बींग फ्लुएंट, एफर्टलेसली टॉकिंग अबाउट समथिंग. लेकिन अगर इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद अ सर्टन टॉपिक, विल यू बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली? नो, बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है उस टॉपिक का. सो द आंसर इज नो. डू अन इंटेलिजेंट पीपल मेक कोजेंट स्टेटमेंट्स? नो. कोजेंट स्टेटमेंट्स कौन करता है? समवन हु नोज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, समवन हु स्मार्ट, इंटेलिजेंट. वही लोग रैशनली, लॉजिकली, क्लियरली बात कर सकते हैं. ओके. इज अ वोसीफरस डिमांड ऑर्डिनरीली मेड बाय अ शाय क्वाइट पर्सन? नो. वोसीफरस का मतलब है लाउड, नॉइजी. इफ अ पर्सन इज शाय एंड क्वाइट, वो जोर से बात नहीं करेंगे, दे वोंट बी नॉइजी. डू लोक्वेशियस पीपल स्पेंड मोर टाइम टॉकिंग देन लिसनिंग? यस, उनको बात करना बहुत पसंद है. ओके, सो दे स्पेंड मोर टाइम टॉकिंग, वो ज़्यादा सुनते नहीं हैं, ज़्यादा बात करते हैं. ठीक है. नाउ ओरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं. टैसीटर्न, चेक द प्रोनंसिएशन. टैसीटर्न, नॉट टैकीटर्न. से इट विद मी, टैसीटर्न. ओके, टैसीटर्न. ये लैटिन से आया है टैसियो, विच मीन्स टू बी साइलेंट, शांत रहना. एंड द नाउन इज टैसीटर्निटी. इसके सिनोनिम्स हैं, मतलब सिमिलर वर्ड्स हैं. इन सब वर्ड्स का मीनिंग भी सिमिलर है. ओके, टू बी साइलेंट, अनकम्युनिकेटिव, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, सीक्रेटिव, टाइट लिप्ड, क्लोज माउथ. इनका सबका मीनिंग वही है. ओके, टू बी साइलेंट, अनकम्युनिकेटिव, ज़्यादा बात न करना. सो टैसियो से दो वर्ड्स हैं, टैसिट. टैसिट का मतलब है अनस्पोकन, इम्प्लाइड. मतलब वो बात आप समझ जाते हो बोले बिना. यू डोंट नीड टू से इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट. ओके, बिन कहे ही आप समझ जाते हो. इट इज टैसिट, इट इज इम्प्लाइड. रेटिसेंट, रेटिसेंट मीन्स शाय, रिजर्व. अगेन, नॉट रिवीलिंग थॉट्स और फीलिंग्स इंटेंशनली. आप इंटेंशनली चुप रह रहे हो, यू डोंट वॉन्ट टू टॉक, मे बी योर शाय और रिजर्व, दैट इज रेटिसेंट. ठीक है. नेक्स्ट है लकोनिक. इसका एटिमोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है. ये किसी लैटिन या ग्रीक वर्ड से नहीं आया है. इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस. ओके, लकोनिया. लकोनिया वॉज एन एंशंट ग्रीक कंट्री. ओके, ग्रीस में, एंशंट ग्रीस में देयर वॉज अ कंट्री कॉल्ड लकोनिया, जिसको स्पार्टा भी बोलते थे. लकोनिया, स्पार्टा, दोनों सेम ही. ठीक है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस. देयर वॉज अ किंगडम कॉल्ड मेसिडोनिया. ठीक है, मेसिडोनिया नाम का एक किंगडम था एंड लकोनिया नाम की एक कंट्री थी. फिलिप ऑफ मेसिडोनिया, फिलिप वॉज द किंग ऑफ मेसिडोनिया. तो उन्होंने स्पार्टा को या लकोनिया को एक मैसेज भेजा कि यू आर एडवाइज्ड टू सबमिट विदाउट फर्दर डिले, फॉर इफ आई ब्रिंग माई आर्मी इन टू योर लैंड आई विल डिस्ट्रॉय योर फार्म्स, स्ले योर पीपल एंड रेज योर सिटी. तो बेसिकली फिलिप ने एक वार्निंग भेज दी स्पार्टा को या लकोनिया को कि सरेंडर कर दो. ओके, वरना हमारी आर्मी आके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी, विल डिस्ट्रॉय योर लैंड, विल किल योर पीपल. ओके, सो आप सबमिट टू अस, सरेंडर टू अस. ओके, तो स्पार्टा में रिप्लाई दिया, इफ, अगर, मतलब अगर तुम एंटर कर सकते हो हमारे लैंड में तो यू विल डिस्ट्रॉय, बट वी विल नॉट गिव यू दैट चांस. लेकिन उन्होंने ये सब इतना बड़ा मैसेज नहीं भेजा, दे ओनली सेड इफ, अगर. सो इन जस्ट वन वर्ड दे कन्वेड द मैसेज. तो इससे ये वर्ड आया है, लकोनिया से ये वर्ड आया, लकोनिक. ठीक है. द नाउन इज लकोनिसिटी, लकोनिज्म या लकोनिकनेस, तीनों में से कोई भी नाउन आप यूज कर सकते हो. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज इनआर्टिकुलेट. इनआर्टिकुलेट इज फ्रॉम लैटिन आर्टिक्यूलस. आर्टिक्यूलस का मतलब है जॉइंट, जैसे बॉडी में जॉइंट्स होते रहे, उनको आर्टिक्यूलस is the Latin word for that. And in is a negative prefix. So basically what it means, trouble joining words together. Words ko jodne mein aapko pareshani hai. You cannot get the words out. You cannot express. Okay?
द नाउन इज इनआर्टिक्युलेटनेस. आर्टिक्युलस से ही आर्टिक्युलेट आता है इंग्लिश में, विच मीन्स क्लियर, कोहेरेंट. ये इनआर्टिक्युलेट का ऑपोजिट है. इनआर्टिक्युलेट मतलब अनक्लियर, इनकोहेरेंट, एंड आर्टिक्युलेट इज क्लियर, कोहेरेंट. ओके. गैरुलस, गैरुलस लैटिन से आया है गैरियो. गैरियो का मतलब है टू चैटर, बकबक करना. द नाउन इज गैरुलिटी. बनाल, बनाल का भी प्रोनाउंसिएशन देखो, बनाल. ओके, बनाल. दिस इज फ्रॉम फ्रेंच. बनाल मीन्स कॉमन, ऑर्डिनरी, साधारण. ओके, द नाउन इज बनालिटी. नाउ वी हैव सम मैच द फॉलोइंग. पॉज द वीडियो एंड मैच कर लो. ओके, टैसिटर्निटी इज डी, अनविलिंगनेस टू एंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन. इंटेंशनली यू आर बीइंग क्वाइट, यू डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट. टैसिटनेस इज जी, स्टेट ऑफ बीइंग अंडरस्टूड दो नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, बोले बिना समझ जाना. ओके, दैट इज टैसिटनेस. रेटिसेंस इज ए, अनविलिंगनेस टू टॉक आउट ऑफ फियर, शाइनेस और रिजर्व. यू आर फीलिंग शाय और रिजर्व, इसलिए आपको बात नहीं करनी है. लकोनिसिटी इज एफ, ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच. ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच का मतलब है केयरफुली यूजिंग योर वर्ड्स, बहुत कम वर्ड्स यूज करना. ओके, बींग वेरी केयरफुल. गैरुलिटी, गैरुलिटी इज बी, इनसेसेंट चैटर विथ लिटिल मीनिंग. ओके, फालतू की बकबक. आर्टिक्युलेट इज एच, वर्बल, वोकल. ओके, एबल टू एक्सप्रेस. इनआर्टिक्युलेटनेस इज ई, इनकोहेरेंस, स्प्लटरिंग, अनएबल टू गेट द वर्ड्स आउट. ओके, बींग कन्फ्यूज्ड. एंड बनालिटी, बनालिटी इज सी, lack of originality, lack of imagination. Okay, let's continue now. Verbose, verbose comes from Latin verbum. Verbum ka matlab hai word. The noun is verbosity or verboseness. From verbum we have the word verb. Verb to pata hai, a word used to describe an action, jaise eating, singing, speaking, talking. These are all verbs. Okay, any word that describes an action. Verbatim, verbatim ka matlab hai word for word, matlab exact words use karna, copied ya quoted. Okay, jaise bolte hai a verbatim report, matlab ek news report hai which is describing an incident. Kuch incident ho gaya to it is exactly described in words. Okay, verbatim, word to word. Verbal, verbal matlab relating to words, oral or spoken. ठीक है. एंड वर्बीएज, वर्बीएज का मतलब है एक्सेस ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स, एक्सेसिवली लेंदी. ओके, बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए हैं इसलिए बहुत लंबा हो गया, जैसे अ वेरी लॉन्ग पैराग्राफ. ओके, अ वेरी लॉन्ग टेक्स्ट. और दूसरा मीनिंग है वर्बीएज का, स्टाइल और मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड्स, जिस स्टाइल में वर्ड्स यूज होते हैं उसको भी वर्बीएज बोलते हैं. वोल्यूबल, वोल्यूबल कम्स फ्रॉम लैटिन वोल्वो या वोल्यूटस, जिसका मतलब है टू रोल. द नाउन इज वोल्यूबिलिटी या वोल्यूबिलनेस. ओके, फ्रॉम वोल्वो और वोल्यूटस वी हैव द वर्ड्स रिवॉल्व. रिवॉल्व का मतलब है कीप टर्निंग. रिवॉल्व तो पता है, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, राइट. रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इज द एक्ट ऑफ रिवॉल्विंग. ओके, द अर्थ कंप्लीटेड इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन. या दूसरा मीनिंग है रेवोल्यूशन का, अ रेडिकल, अ ड्रामेटिक चेंज, बहुत बड़ा चेंज. जैसे हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट. सो इट इज अ बिग चेंज, अ ह्यूज चेंज, बहुत बड़ा चेंज. रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी मतलब रेवोल्यूशन से रिलेटेड. ओके, और अ पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन और एडवोकेट्स अ रेवोल्यूशन. ऐसा कोई इंसान हु इज इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग अबाउट अ रेडिकल चेंज, हु इज इन्वॉल्व्ड इन that big dramatic change, ऐसे इंसान को बोलते हैं revolutionary. He was a revolutionary person. Okay, involve, involve तो समझते हो, include, participate, to involve, be involved. And evolve, evolve मतलब develop gradually, जैसे theory of evolution बोलते हो. Okay, to evolve मतलब to develop धीरे धीरे. Next है cogent. Cogent cogo से आया है. Cogo मतलब to compel or force, किसी को force करना. ओके, सो कोजेंट आर्ग्यूमेंट कंपेल्स एक्सेप्टेंस, मतलब
इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट, आप कोई रैशनल लॉजिकल बात करते हो, तो द अदर पर्सन इज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इट बिकॉज आपने सही बात की है. सो दे हैव टू एक्सेप्ट इट, दे आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट. ओके, द नाउन इज कोजेंसी. अगेन वी हैव सम मैच द फॉलोइंग, सो रीड द वर्ड्स एंड मैच देम विद द रिस्पेक्टिव मीनिंग्स. Verbosity is C, wordiness, बहुत सारे words use करना. Volubility is F, fluency, okay, talking fluently, effortlessly. Ease and rapidity of speech, जैसे glib. Revolution is J, a rolling around or a radical change. Evolution is B, a gradual development. Verbiage is A, style or manner of using words, या type of words. Verbalizes I, to put into words, शब्दों में व्यक्त करना. Verbal is E, referring to or involving words, oral. Okay, जैसे verbal test, मतलब oral test. Verbatim is H, word for word. Revolutionary is D, causing or resulting from a radical change. And evolutionary is G, resulting or developing gradually from. अभी कुछ येस एंड नो क्वेश्चंस है. अगेन रीड द क्वेश्चंस एंड मार्क वेदर द आंसर इज येस और नो. कैन यू पर्सुएड समवन थ्रू अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट? अगर आप रैशनल लॉजिकल सही बात बोल रहे हो तो यू कैन इजिली पर्सुएड समवन. आप इजिली किसी को भी समझा सकते हो, यू कैन कन्विंस देम, राइट? सो द आंसर इज येस. डज अ फ्रॉग इवॉल्व फ्रॉम अ टैडपोल? टैडपोल इवॉल्व होके इट डेवलप्स इन टू अ फ्रॉग. ओके, जैसे ह्यूमन्स इवॉल्व फ्रॉम मंकी, मैन इवॉल्व फ्रॉम अ मंकी, राइट? थियोरी ऑफ एवोल्यूशन जो है, सो टू इवॉल्व मतलब टू डेवलप. ओके, द आंसर इज येस. डू वर्बोस पीपल यूज अ लॉट ऑफ वर्बिएज? येस, वर्बोस बहुत सारे यूज, वर्बोस पीपल यूज अ लॉट ऑफ वर्ड्स. इज वोल्यूबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इनआर्टिकुलेट पर्सन? Inarticulate मतलब यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली, एंड वोल्यूबिलिटी मतलब यू आर टॉकिंग एफर्टलेसली. ओके, सो नो. डज वर्बोसिटी शो केयरफुल एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ वर्ड्स? नो, वर्बोसिटी मतलब आप बिंदास बहुत सारे वर्ड्स यूज कर रहे हो, सो नो. इज अ वर्बल पर्सन यूजली इनआर्टिकुलेट? नो, वर्बल मतलब यू आर इजिली एबल टू एक्सप्रेस, एंड इनआर्टिकुलेट मतलब यू आर अनएबल टू एक्सप्रेस. Does banality show creativeness? No. Banality मतलब boring, okay? Unoriginal, you lack originality. Are articulate people verbal? Yes. Articulate मतलब coherent, you can easily express yourself, you are clear, okay? Next है vociferous. Vociferous comes from, is a combination of vox, voces plus ferro. Vox, voces मतलब voice, and ferro मतलब to bear or carry. Someone who carries a lot of voice, the noun is vociferous. Now vox or voces से हमने words किए हैं in the previous session, तो you can go to that video and check again. ठीक है, ferro से word आया है somniferous. Somniferous का मतलब है carrying or bringing sleep, जिससे नींद आ जाती है, something that causes sleep. It is a combination of somnus and ferro. सोमनस का मतलब है स्लीप, नींद. ओके, टू कैरी स्लीप. लैटिन में स्लीप के लिए दो वर्ड्स हैं, एक तो सोमनस है एंड दूसरा वर्ड है सोपार. ओके, सोमनस एंड सोपार दोनों का मतलब है स्लीप, नींद. सोपार से वी हैव सोपोरिफिक. सोपोरिफिक एंड सोमनीफेरस दोनों का सेम ही मीनिंग है, समथिंग दैट इंड्यूसेस स्लीप, समथिंग दैट कॉजेस स्लीप. तो सोपार स्लीप एंड फेरो टू कैरी, तो इसका मतलब है स्लीप इंड्यूसिंग, समथिंग दैट कॉजेज स्लीप. एंड दूसरा मीनिंग है सोपोरिफिक का, अ स्लीपिंग पील. ओके, नींद की गोली. जैसे आई टुक अ सोपोरिफिक बिकॉज आई कुडंट स्लीप, मैंने नींद की गोली ले ली. ओके, अ स्लीपिंग पील. तो कोई आप कॉलेज में हो, क्लास में हो एंड बहुत ही लेक्चर बोरिंग चल रहा है जिसे आपको नींद आ रही, तो आप बोलेंगे इट वॉज अ वेरी, इट वॉज अ सोमनीफेरस लेक्चर और इट वॉज अ सोपोरिफिक लेक्चर, कि मुझे नींद आ गई लेक्चर सुन के.
Okay, I hope this session is not somniferous. Okay, so somnus se we have some more words. Insomnia is the inability to fall asleep. Jo log so nahi sakte, okay, it's a medical condition, insomnia. And the people who suffer from this, okay, a person who suffers from insomnia is called insomniac. Okay, he's an insomniac. मतलब उसको नींद ही नहीं आती. Somnolent का मतलब है sleepy, drowsy. Okay, जिसे बोलते हैं I'm very sleepy, मुझे बहुत नींद आ रही है. Okay, somnolent. Somnambulism मतलब walking in one's sleep, नींद में चलना. बहुत लोगों को नींद में चलने की आदत होती है. Okay, तो उसको बोलते हैं somnambulism. ठीक है. It's a combination of somnus, sleep, and ambulo. Ambulo का मतलब है to walk in your sleep. Somnambulism. Ambulo से भी कुछ words है. Okay. Ambulatory, able to walk around. Okay. Normally it means कि जैसे कोई patient है. Okay, he's admitted in the hospital. बीमार है इसलिए they are not feeling well. वो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते. Okay. लेकिन थोड़े दिनों बाद वो ठीक हो गए. ओके, उनको डिस्चार्ज करने का टाइम हो गया. नाउ दे आर एबल टू वॉक. ओके, तो उस सिचुएशन में यू आर यूजिंग द टर्म एम्बुलेटरी, दैट द पेशेंट वाज अर्लियर ही वाज सिक, ही वाज बेड रिडन, बट नाउ दे आर एबल टू वॉक. ओके, सो नाउ द पेशेंट इज एम्बुलेटरी. ओके, नेक्स्ट वर्ड है पेरम्बुलेटर. पेरम्बुलेटर इज अ बेबी कैरेज. इसको प्रैम भी बोलते हैं, प्रैम या स्ट्रोलर. ओके, प्रैम इज शॉर्ट फॉर पेरम्बुलेटर. इसको बोलते हैं प्रैम. पेरम्बुलेट मतलब टू वॉक और स्ट्रोल अराउंड, चलना. जैसे पार्क में आप जाते हो फॉर अ वॉक या मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, राइट. एम्बल का मतलब भी है टू वॉक एट अ रिलैक्स्ड पेस. ओके, आराम से चलना. टू वॉक एमलेसली, यू आर नॉट वॉकिंग फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन, ऐसे ही टाइम पास के लिए चल रहे हो. ओके, एम्बुलेंस. एम्बुलेंस तो पता है, अ मेडिकली इक्विप्ड व्हीकल. एंड प्रीएम्बल. प्रीएम्बल मतलब है एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. जैसे प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने देखा होगा किसी बुक में या हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री सिविक्स के बुक में देखा होगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड पहले आता है प्रीएम्बल. ओके, एंड इसके बाद द मेन कॉन्स्टिट्यूशन, मेन टेक्स्ट जो है वो बाद में स्टार्ट होता है. तो ये प्रीएम्बल पहले आता है. ओके, प्री मतलब पहले, बिफोर. ठीक है. अगेन वी हैव सम मैच द फॉलोइंग. पॉज द वीडियो एंड मार्क योर आंसर्स. इनसोमनियस क्या है? अनेबल टू फॉल अस्लीप, सी. सोमनीफेरस इज एच, कॉजिंग स्लीप. Somnolence is B, drowsiness, okay, feeling sleepy, drowsy. Somnambulist is G, sleepwalker, जो नींद में चलता है. Perambulator is J, baby carriage, okay, a stroller or a pram. Perambulate is A, stroll through, walk around. Vociferate is E, say loudly and with great vehemence, बहुत ही ज़्यादा passion, intensity के साथ बोलना. Preamble is F, introduction. Amble is D, walk aimlessly, okay, बिना किसी reason ऐसे ही चल रहे हो, at a relaxed pace. And ambulatory is I, able to walk after being bedridden. ठीक है. Again we have some yes and no questions. चलो mark कर लो. Okay, the first question is, does an insomniac often need a soporific? अगर आपको नींद नहीं आती तो आप नींद की गोली ले लेते हो, राइट. सो द आंसर इज यस. सो पोरिफिक इज अ स्लीपिंग पिल. ओके, नींद आने की गोली. डज अ सोमनैम्बुलिस्ट ऑलवेज स्टे इन बेड व्हेन अस्लीप? नो, वो नींद में चलते हैं. ओके, आर एम्बुलेटरी पेशेंट्स बेड रिडन? नो, यू वर बेड रिडन बट नाउ यू आर एबल टू वॉक, नाउ द पेशेंट इज एम्बुलेटरी. Does a preamble come after another event? No. Preamble, pre मतलब पहले आता है. Is vociferation habitual with quiet shy people? No. Okay. Loud people are vociferous. Okay. Loud people are vociferous. Is a somnolent person wide awake? No.
somnolent है मतलब यू आर स्लीपी, ड्राउजी, नींद में हो आप. इज अ सोमनीफेरस स्पीकर स्टिम्युलेटिंग एंड एक्साइटिंग? अगर कोई सोमनीफेरस है तो जिसका लेक्चर सुन के आपको नींद आ जाए, तो इज इट एक्साइटिंग? नो, इट इज बोरिंग. सो नो. लास्ट वर्ड इज लोक्वेशियस. लोक्वेशियस, इसे बहुत सारे रिलेटेड वर्ड्स हैं, सो ध्यान दोगे. लोक्वेशियस कम्स फ्रॉम लैटिन लोकोर. लोकोर का मतलब है टू स्पीक, बोलना, बात करना. नाउन है लोक्वेसिटी या लोक्वेशियसनेस. लोकोर से कुछ वर्ड्स आए हैं. सोलिलोक्वी. सोलिलोक्वी का मतलब है अ स्पीच टू वन सेल्फ, अपने आप को स्पीच देना या अपने आप से बात करना, जैसे मोनोलॉग. अगर आपने कभी थिएटर में कोई प्ले देखा, ओके, तो उसमें यूजुअली मोनोलॉग होता है. जो एक्टर होता है वो स्टेज पे आके वो खुद से बात करता है, ओके, अ स्पीच टू वन सेल्फ, अकेले बात करता है. तो दैट इज कॉल्ड सोलिलोक्वी, ओके, अ स्पीच टू वन सेल्फ, खुद से बात करना. दूसरा वर्ड है वेंट्रिलोक्विस्ट. वेंट्रिलोक्विस्ट समझते हो? इसको बोलते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट. सो देयर इज एन आर्टिस्ट एंड उनके साथ एक डमी होता है या एक डॉल होती है, एंड द डॉल्स माउथ और द डमीज माउथ मूव्स. तो ऐसे लगता है कि वो डॉल या वो डमी बात कर रहा है, बट इन रियलिटी द पर्सन इज स्पीकिंग. ओके, दिस पर्सन इज कॉल्ड अ वेंट्रिलोक्विस्ट. ओके, एन आर्टिस्ट हु स्पीक्स फ्रॉम द बेली. ओके, उनका मुंह हिलता नहीं है. ओके, सो ऐसा लगता है कि दे आर नॉट टॉकिंग, द डमी और द डॉल इज टॉकिंग. कलोक्वियल. कलोक्वियल का मतलब है रिलेटिंग टू इनफॉर्मल एवरीडे कॉन्वर्सेशन. जो एवरीडे कॉन्वर्सेशन होता है, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो या अपने फैमिली में घर पे जैसे बात करते हो, एकदम बिंदास, इन एन इनफॉर्मल वे, सो उसको बोलते हैं कलोक्वियल. कलोक्वियलिज्म इज इनफॉर्मल स्पीच. जैसे फॉर्मल स्पीच होता है, जैसे आप कॉलेज में प्रोफेसर से बात कर रहे हो या ऑफिस में अपने सीनियर से बात कर रहे हो या यू आर इन अ मीटिंग, तो आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जैसे हेलो सर, हाउ आर यू, राइट? दैट इज़ फॉर्मल लैंग्वेज. एंड इनफॉर्मल मतलब जैसे हे व्हाट्सअप, जैसे आप फ्रेंड से बात करते हो, राइट? सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. सो कलोक्वियल मतलब इनफॉर्मल एवरीडे कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड. ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलोक्वियलिज्म, इनफॉर्मल स्पीच. सर्कमलोक्यूशन. सर्कमलोक्यूशन मतलब एक्सप्रेसिंग समथिंग इनडायरेक्टली. कोई चीज़ आपको बोलनी हो लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है. ओके, तो मे बी इट्स अ सीक्रेट, मे बी आपको आप कुछ छुपा रहे हो, और मे बी इट्स एन एम्बेरसिंग थिंग, इसलिए आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है. इसलिए यू आर यूजिंग मल्टीपल वर्ड्स, मल्टीपल फ्रेजेस, एंड इनडायरेक्टली आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड सर्कमलोक्यूशन. ओके, नाउ वेंट्रिलोक्विस्ट, ये लोकर से आया है, टू स्पीक, कंबाइंड विद वेंटर या वेंट्रिस, जिसका मतलब है बेली, पेट. ओके, सो वेंटर और वेंट्रिस से वी हैव वेंट्रल. वेंट्रल का मतलब है फ्रंट और एंटीरियर, द बेली साइड. जैसे बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की भी जो बॉडी होती है, तो ये जो आगे का साइड होता है, द फ्रंट साइड, इसको एंटीरियर या वेंट्रल बोलते हैं, एंटीरियर और वेंट्रल. और जो बैक साइड होता है उसको पोस्टेरियर या डॉर्सल बोलते हैं. ओके, डॉर्सल, वेंट्रल, पोस्टेरियर, एंटीरियर. ठीक है, सो वेंट्रल इज द फ्रंट साइड, द बेली साइड. एंड दूसरा वर्ड है वेंट्रिकल. वेंट्रिकल मतलब लोअर चेंबर्स ऑफ द हार्ट. जैसे जो हार्ट होता है, हार्ट के चेंबर्स होते हैं, राइट? दीज आर द चेंबर्स ऑफ द हार्ट. जो लोअर चेंबर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं. एंड जो अपर चेंबर्स होते हैं, अपर चेंबर्स को ऑरिकल्स बोलते हैं या एट्रियम. ओके, सो लोअर चेंबर्स मतलब वेंट्रिकल्स एंड अपर चेंबर्स मतलब ऑरिकल्स या एट्रियम. नाउ एडजेक्टिव्स तो समझते हो. सो वी हैव सम वर्ड्स हियर, वेंट्रिकल, ऑरिकल, व्हीकल, सर्कल, टेस्टिकल, अंकल. तो लेट्स सी इफ यू कैन नेम द एडजेक्टिव्स. ओके, हिंट देती हूँ. सर्कल का एडजेक्टिव होता है सर्क्यूलर. ओके, सर्क्यूलर. तो इससे आप बता सकते हो कि व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स. सो क्विकली पॉज द वीडियो एंड सी इफ यू कैन आंसर दिस. ओके, चलो देखते हैं. सो वेंट्रिकल का एडजेक्टिव इज वेंट्रिक्यूलर, ऑरिकल ऑरिक्यूलर, व्हीकल व्हीक्यूलर, सर्कल सर्क्यूलर,
टेस्टिकल, टेस्टिक्यूलर। अगर आपने अंकल का एडजेक्टिव अंक्यूलर लिखा हो तो वो गलत है, ओके? अंकल का एडजेक्टिव अंक्यूलर नहीं होता, विल सी व्हाई। ओके, सो एज अ जनरल रूल रिमेंबर कि जो नाउन्स सी में, सी एल ई में एंड होते हैं, ओके, सी एल ई, ओके, सी एल ई में जो नाउन्स एंड होते हैं उनके एडजेक्टिव सी यू एल ए आर में एंड होते हैं, ओके, क्यूलर, ओके, तो वेंट्रिकल, वेंट्रिक्यूलर, ऑरिकल, ऑरिक्यूलर, ये एज अ जनरल रूल ये ध्यान में रखो। बट अंकल हियर इट्स एन एक्सेप्शन, अंकल का एडजेक्टिव अंक्यूलर नहीं होता। व्हाई? अंकल को लैटिन में बोलते हैं अवंक्यूलस, ओके, अवंक्यूलस इज अंकल इन लैटिन, इसीलिए अंकल का एडजेक्टिव होता है अवंक्यूलर, ओके, अवंक्यूलर, नॉट अंक्यूलर, अवंक्यूलर। इट मीन्स रेफरिंग टू एन अंकल, अंकल से रिलेटेड हो तो अवंक्यूलर, या काइंड, फ्रेंडली, प्रोटेक्टिव, ट्रस्टवर्दी, कोई ऐसा इंसान हु इज काइंड, हु इज फ्रेंडली, हु इज वेरी प्रोटेक्टिव, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब लाइक एन अंकल, ओके, मामा जैसा, ओके, मामा भांजे का रिलेशन कैसे होता है ना, इट्स अ फ्रेंडली, प्रोटेक्टिव, ट्रस्टवर्दी रिलेशन। तो अवंक्यूलर रेफर्स टू एन अंकल और अ पर्सन हु इज काइंड, फ्रेंडली, ट्रस्टवर्दी, ठीक है, अवंक्यूलर। नाउ अगेन फ्रंट एंड बैक आ गया फिर से, वेंट्रिस इज द फ्रंट, द बेली साइड, ओके, एंड डोर्सम इज द बैक, ओके, वेंट्रिस एंड डोर्सम, वेंट्रिस फ्रंट, डोर्सम मतलब बैक। तो डोर्सम से वी हैव द इंग्लिश वर्ड डोर्सल, डोर्सल मतलब बैक साइड, जैसे बोलते हैं डोर्सल स्पाइन, ओके, लंबर स्पाइन, डोर्सल स्पाइन, सो डोर्सल होता है आइदर बैक साइड या लोअर साइड, ठीक है। एंड दूसरा वर्ड है एंडोर्स, एंडोर्स के भी दो मीनिंग्स है, एक तो चेक एंडोर्स करते हैं, राइट, एंड एंडोर्स चेक मतलब क्या, चेक के बैक साइड पे साइन करते हैं, तो वो एंडोर्स्ड चेक हो जाता है। एंड दूसरा मीनिंग है टू बैक समथिंग, टू सपोर्ट और अप्रूव समथिंग, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, टू एंडोर्स समथिंग। जैसे टीवी पे आप एड्स देखते हो, कोई एक्ट्रेस है जो किसी शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट कर रही है, सो यू विल से दैट दैट एक्ट्रेस इज एंडोर्सिंग दिस ब्रांड, द एक्ट्रेस इज एंडोर्सिंग दिस शैम्पू, मतलब शी इज सपोर्टिंग इट, वो उसका एडवर्टाइजमेंट कर रही है, मतलब शी इज सपोर्टिंग इट, शी इज बैकिंग इट, शी इज एंडोर्सिंग इट, ओके। ना कुछ और वर्ड्स है लोकर से, जैसे इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब है टू स्पीक फ्लुएंटली, एक्सप्रेसिवली एंड परसुएसिवली, बहुत ही एफर्टलेसली, फ्लुएंटली, अच्छे से बात करना विद कॉन्फिडेंस, ओके। एंड दीज टू वर्ड्स, मैग्नीलोक्वेंट एंड ग्रैंडीलोक्वेंट, इन दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, हाई फ्लोन लैंग्वेज, बहुत ही हाई फाई, बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स यूज करना, लार्ज इम्प्रेसिव वर्ड्स, बहुत ही स्टाइलिश तरीके से बात करना, बहुत ही टॉकिंग इन अ पॉश वे, ओके, ग्रैंड, एक्स्ट्रावेगेंट लैंग्वेज और स्टाइल, बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स यूज करना, बड़े सेंटेंसेज यूज करना, जैसे किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ओके। तो अ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल योर, शशि थरूर का ये एक फेमस ट्वीट है, मे बी यू हर्ड ऑफ दिस, exasperating farrago of distortions, misrepresentations and outright lies being broadcast by an unprincipled showman masquerading as a journalist. So this was a very popular tweet, very popular tweet, and iske upar se bahut sare memes, bahut sare jokes bhi aaye the. So this is an example of magniloquent, grandiloquent, bahut bade bade words use kiye inhone, okay, jo words normally aap nahi sunte, okay, you normally not read these words anywhere, bahut hi large, इम्प्रेसिव वर्ड्स, हाई फ्लोन लैंग्वेज, बहुत ही पॉश लैंग्वेज, ओके, एकदम ग्रैंड, शानदार, ओके, दैट इज ग्रैंड इलोक्वेंट और मैग्नीलोक्वेंट, ठीक है। ना मैग्नीलोक्वेंट कम्स फ्रॉम मैग्नस, मैग्नस का मतलब है लार्ज, बड़ा, फ्रॉम मैग्नस वी हैव द वर्ड मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब है जेनरस, फॉरगिविंग, बिग हार्टेड, जिसका दिल बड़ा हो, जो आसानी से दूसरों को माफ कर देता है, ओके, बिग हार्टेड पर्सन, मैग्नानिमस। दूसरा वर्ड है मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब है अ वेल्दी, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, अ पावरफुल पर्सन, जैसे बोलते हैं ही इज अ बिजनेस मैग्नेट, मतलब ही इज अ वेरी पावरफुल, वेरी इन्फ्लुएंशियल बिजनेस मैन। नोट द स्पेलिंग, मैग्नेट एंड मैग्नेट ये दोनों अलग होता है, मैग्नेट इज अ पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन और ये दूसरा वाला मैग्नेट, डोंट गेट कन्फ्यूज, ये एम ए जी एन ए टी ई है
and this is MAGNET. Okay, magnate and magnet. Magnify. Magnify to samajhte ho, jaise magnifying glass lete ho to make larger. Okay. Some more words from Magnus. Magnificent. Magnificent matlab beautiful, excellent, bahut sundar, bahut badhiya. Magnificent. Magnitude. Magnitude matlab size or extent of something, the size of something. Jise someone tells you, do you understand the magnitude of the problem? Kya tumhe samajh mein aa raha hai ki ye kitni badi problem hai? Do you understand the size of a problem? Okay. Magnitude. Magnum. Magnum is a large bottle of wine or champagne. जैसे वाइन होती है या शैम्पेन होती है, उसकी स्टैंडर्ड साइज एक बॉटल होती है, राइट? उससे जो बड़ी साइज होती है, दैट इज अ मैग्नम. मैग्नम से भी बड़ी साइजेस होती है. ओके, सो इट इज वन ऑफ द बिगर साइजेस. ओके, अ लार्ज बॉटल. मैग्नम ओपस. मैग्नम ओपस इज अ ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क, अ मास्टरपीस. जैसे मैग्नम ओपस मूवीज होती है, जैसे बाजीराव मस्तानी. ओके, बहुत, इट वॉज अ बिग मूवी, राइट? बहुत बड़े बड़े सेट्स, बड़े कॉस्ट्यूम्स, बिग एक्टर्स, यू नो, इट वॉज अ मास्टर पीस, अ ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क. या कोई किसी म्यूजिशियन का कोई फेमस गाना हो, विच वॉज द बिगेस्ट हिट ऑफ हिज करियर, इट वॉज अ मास्टर पीस, तो उसको बोलते हैं मैग्नम ओपस. ओके, नाउ अगेन वी हैव सम मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, देख लो एंड मैच कर लो. कम ऑन. सोलिलोक्वी. सोलिलोक्वी क्या है? टॉकिंग और अ स्पीच टू वनसेल्फ, अपने आप से बात करना. वेंट्रिलोक्विज्म इज आई, आर्ट ऑफ थ्रोइंग वन्स वॉइस, टॉकिंग फ्रॉम द बेली. कलोक्विलिज्म इज जी, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे कॉन्वर्सेशन, जो डेली लाइफ में जो आप जैसे बातें करते हो इन एन इनफॉर्मल वे, दैट इज कलोक्विलिज्म. सर्कमलोक्यूशन इज बी, टॉकिंग अराउंड. ओके, घुमा फिरा के बात करना, मेथड ऑफ टॉकिंग इनडायरेक्टली. ग्रैंड एलोक्वेंट इज सी, यूजिंग एलिगेंट और इम्प्रेसिव फ्रेजोलॉजी, बहुत बड़े बड़े हाई फाई पॉश वर्ड यूज करना. मैग्नेट. मैग्नेट इज एच, इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल, अ पावरफुल पर्सन. वेंट्रल. वेंट्रल इज जे, रेफरिंग टू द फ्रंट साइड. वेंट्रल डॉर्सल. डॉर्सल इज ए, रेफरिंग टू द बैक साइड. Ventricular, auricular is F, pertaining to one of the chambers of the heart. Okay, जैसे ventricle, atria, okay, या auricle. Avuncular. Avuncular is D, like an uncle, uncle के जैसा, या kindly, protective, trustworthy. Okay, some more yes and no questions, read the questions and mark कर लो. चलो, does a ventriloquial performance on a stage involve a dummy who appears to be talking? Yes, ek dummy hota hai, ek doll hoti hai, aur jiska muh hilta hai, so it looks as if the doll or the dummy is talking. Is circumlocutory speech direct and forthright? No, circumlocutory matlab you ghuma fira ke baat kar rahe ho, you are talking indirectly. Is a soliloquy a dialogue? No, it's a monologue. Dialogue happens between two or more people. When you are talking to someone, you are talking to many people, it is a dialogue, it is a conversation you are having with other people. Soliloquy is a monologue, apne aap se baat karna, apne aap ko speech dena. Is colloquial style of writing ungrammatical? No, informal hota hai, not ungrammatical. Wahan pe bhi aap proper grammar use kar rahe ho, but the only difference is wo ek formal hai and dusra informal hai, but दोनों भी अनग्रामेटिकल नहीं है. ओके, दे आर ग्रामेटिकल. डज अ मैग्नीलोक्वेंट स्पीकर यूज शॉर्ट सिंपल वर्ड्स? नो, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करता है. इज एन इलोक्वेंट स्पीकर इंटरेस्टिंग टू लिसन टू? यस, इलोक्वेंट मतलब जो बहुत ही अच्छे तरीके से इजीली बात करता है. ओके, हु इज वेरी एक्सप्रेसिव. ओके, सो ही इज इंटरेस्टिंग टू लिसन टू. इज अ मैग्नानिमस पर्सन सेल्फिश एंड पेटी माइंडेड? नो, मैग्नानिमस मतलब जिसका मन बहुत बड़ा है, जिसका दिल बहुत बड़ा है, who easily forgives people. Petty minded मतलब small minded. Is a magnum opus one of the lesser works of a writer, artist or composer? No, magnum opus is a very big work. Okay, a great artistic work, a masterpiece. Okay,
Does an avuncular attitude indicate affection and protectiveness? Yes, avuncular मतलब kind, protective, trustworthy, like an uncle. Okay, I hope this is clear. So this is it for today's session. I hope you all enjoyed it. कुछ questions हो तो comment section में पूछ लो. Okay, I'll get back to you. If you like the video, subscribe to the channel. Okay, give this a like and thanks for watching. I'll see you all in the next video.